राम राम सभी को। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है अपनी। ये वीडियो जो है ये रहेगी भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास जो है उसको लेकर रहेगी। अनेक सारे पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और अब तो HSSC भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने लगी है। 2018 में HSSC ने दो पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे। और हम चलो शुरुआत करते हैं भाई इसकी। ये वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखना, आपको इस वीडियो में करीब करीब 35 से 40 युद्ध अभ्यास मिलेंगे और इनमें से पेपर में भाई एक आने की पूरी पूरी संभावना होगी। तो अपना एक नंबर जरूर पक्का कर ले, HSSC भी अब ये क्वेश्चन पूछने लगी है। चलो आ जाते हैं। सबसे पहला जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम है इंदर युद्ध अभ्यास, किसके बीच है। साथियों, अगर आप शुरुआत के अंदर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ना, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इसको मान लो लिखते वक्त और भी थोड़ा ज्यादा डाटा आ जाएगा। तो इंदर धनुष जो है ये किस किस के बीच में है, तो इंदर धनुष है भारत का रूस के साथ जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम है इंदर, इंदर जो है। और साथियों, ये जो युद्ध अभ्यास है, सभी के सभी युद्ध अभ्यास, ये सारे के सारे थल सेना के युद्ध अभ्यास हैं। भारतीय थल सेना के अन्य देशों की थल सेनाओं के साथ जो युद्ध अभ्यास किए गए हैं वो युद्ध अभ्यास हैं। तो थल सेना के युद्ध अभ्यास अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे 20 के 20 थल सेना के हैं। उसके बाद वायु सेना और नौसेना के भी हम करेंगे। तो दूसरा है मैत्री। मैत्री युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है, या मैत्री भारत का किस देश के साथ होता है। तो मैत्री युद्ध अभ्यास होता है थाईलैंड का होता है भारत के साथ। तो थाईलैंड की सेना का भारत के साथ जो युद्ध अभ्यास होता है उसी का नाम है मैत्री जो है। अगला साथियों, सूर्य किरण। सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है, कई बार पेपर के अंदर आ लिया भाई सूर्य किरण किस के साथ होता है, तो नेपाल का भारत के साथ जो युद्ध अभ्यास होता है उसी युद्ध अभ्यास का नाम है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है। कम समय के अंदर ज्यादा डाटा पड़ेगा, आज बहुत ज्यादा डाटा मिलेगा आपको। अगला है हैंड इन हैंड। भाई जबरदस्त है, बहुत सारे पेपरों में और अनेक पेपरों के अंदर ये चीज आ चुकी है भाई। हैंड इन हैंड जो है ये चाइना का भारत के साथ है। हैंड इन हैंड जो है ये भारत का चाइना के साथ किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। अगला युद्ध अभ्यास है प्रबल दोस्तिक युद्ध अभ्यास। साथियों, ये प्रबल दोस्तिक जो युद्ध अभ्यास है ये कजाकिस्तान का भारत के साथ हुआ था। कजाकिस्तान का भारत के साथ जो युद्ध अभ्यास है उसी को नाम दिया गया था प्रबल दोस्तिक जो है, ये कजाकिस्तान का भारत के साथ हुआ था। अगला युद्ध अभ्यास देखते हैं नोमैडिक एलिफेंट। साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरा मित्र SSC की तैयारी कर रहा होगा ना, तो भाई 2019 के दो पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 के SSC के दो पेपरों में पूछा गया था, CHSL के पेपर में पूछा गया था और एक SSC ने एक और पेपर के अंदर पूछा था कि नोमैडिक एलिफेंट जो युद्ध अभ्यास है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये SSC के पेपरों में तो कई बार आ लिया, लेकिन 2019 में SSC ने दो बार ये क्वेश्चन पूछा था। और क्या था, नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के बीच होता है, या भारत का किस देश के साथ होता है। तो साथियों, मंगोलिया का होता है। मंगोलिया का और भारत के बीच जो है उसी युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट जो है वो नाम है इसका। अगला के देखते हैं साथियों। अगला है खानक्वेस्ट। खानक्वेस्ट जो युद्ध अभ्यास है ये भी भारत का मंगोलिया के साथ ही होता है। तो मंगोलिया का साथ होता है किस देश का, भारत का, या भारत का किस देश के साथ होता है, मंगोलिया के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है अजय योद्धा। अजय योद्धा जो युद्ध अभ्यास है ये भी कई सारे पेपरों के अंदर आ लिया। जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम जिसे बोलते हैं, तो यूके का भारत के साथ होने वाला जो युद्ध अभ्यास है उसी को नाम दिया जाता है, क्या नाम दे दिया, अजय योद्धा। अगला है वज्र परिहार। साथियों, कई बार ये क्वेश्चन आ लिया वज्र परिहार। अब आपको जो है ना ये सारे बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, आप इसको याद भी कर लेंगे। और एक और चीज याद करना साथियों, आजकल पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आने लगे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है वो भी आ जाता है। और दूसरी बात क्या है, आजकल पेपर में सूची एक बना दी और इधर सूची दो बना दी और कहा निम्न में से इसका सही मिलान करो। भाई सूची दो को सूची एक से मिलान करो तो चार आपको युद्ध अभ्यास मिल जाएंगे, उसके सामने चार देशों के नाम मिल जाएंगे, यानी कौन सा किस देश के साथ हुआ था उसको मैच करके बताओ भाई, इस प्रकार से पेपर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पहले याद कर लेंगे।
तो अगला है वज्र प्रहार जो है ये यूएसए का होता है, किस देश के साथ होता है? भारत का। भारत का यूएसए के साथ किया जाने वाला जो युद्ध अभ्यास है उसी युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया वज्र प्रहार जो है। अगला जो है उसका नाम है एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है ये भारत का किस देश के साथ होता है? तो भारत का एक पड़ोसी देश है और द्वीपीय देश है जिस देश का नाम है मालदीव। ये मालदीव के साथ किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। भारत का मालदीव के साथ जो युद्ध अभ्यास होता है उसी का नाम है एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है ये किस देश के साथ होता है? मालदीव के साथ। मालदीव लक्षद्वीप के सहारे पड़ता है। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री का चैनल है, ये भी आप याद करते चलेंगे। अगला युद्ध अभ्यास का नाम है साथियों संप्रति। अब जो संप्रति युद्ध अभ्यास है ये बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी देश है, जो कभी भारत का हिस्सा होता था, 1971 में बांग्लादेश बना था, इस बांग्लादेश का भारत के साथ होने वाला जो युद्ध अभ्यास है उसी युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? संप्रति युद्ध अभ्यास। अगला युद्ध अभ्यास जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र। कौन सा है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। और साथियों बोर्ड पर मैंने जितने भी लिख रखे हैं इनमें से पेपर में HSSC ने 2018 पुलिस वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि ये युद्ध अभ्यास भारत का किस देश के साथ होता है, तो उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है, बोल्ड कुरुक्षेत्र ये सिंगापुर के साथ होता है। भारत का सिंगापुर के साथ होने वाला जो युद्ध अभ्यास है और थल सेना का युद्ध अभ्यास है, ये भी सारे थल सेना के ये वाले, तो ये होता है सिंगापुर के भारत के साथ। अगला है अग्नि योद्धा। जो अग्नि योद्धा युद्ध अभ्यास है ये भी सिंगापुर की सेना और भारत की थल सेना इनके बीच होता है। तो क्या है? अग्नि योद्धा सिंगापुर और भारत की सेनाओं के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन है गरुड़ शक्ति। अनेकों बार पेपर में आ गया, वह बहुत बार पेपर में आ लिया, ये छा जाता है ये क्वेश्चन, कई बार आ लिया। गरुड़ शक्ति, ये जो गरुड़ शक्ति है ये गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया जो भारत का पड़ोसी देश है, द्वीपीय देश है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश पड़ता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 2018 में साथियों एशियाड गेम हुए थे जिन्हें एशियाई खेल कहा जाता है। और भाई पेपर के अंदर जब हरियाणा पुलिस के पेपर 2018 में हुए थे, वो चाहे लड़कियों के हो चाहे लड़कों वाले वो हो, दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था एशियाड खेल 2018 कहां हुए थे? इंडोनेशिया में। साथियों इसके साथ एक और बात याद रखना, इंडोनेशिया की राजधानी सभी को पता है जकार्ता है, लेकिन साथियों जकार्ता इंडोनेशिया की अब राजधानी नहीं रहेगी, इंडोनेशिया अपनी राजधानी को बदल रहा है। कारण क्या है कि इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो पूर्ण रूप से पानी के अंदर समा जाएगी, और जब पानी के अंदर समा जाएगी तो ये कहा गया यार राजधानी को हम दूसरी जगह बदल देते हैं। तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी होगी साथियों, यहां पर मैं उसका नाम लिख रहा हूं पलानकोराया। कौन सा है? पलानकोराया। और जो ये पलानकोराया राजधानी है ये साथियों इंडोनेशिया की नई प्रस्तावित राजधानी है, और ये जो राजधानी होगी ये बोर्नियो द्वीप के ऊपर स्थित होगी। कौन से द्वीप पर? बोर्नियो आइलैंड जो है, बोर्नियो द्वीप जो है उसी बोर्नियो द्वीप के ऊपर ये राजधानी बनाई जाएगी, प्रस्तावित कर दी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है युद्ध अभ्यास अल नाहग युद्ध अभ्यास। किस देश के साथ होता है? ओमान का होता है, भारत के साथ। तो ओमान की सेनाओं का किस देश के साथ होता है? भारत का साथ। अगला साथियों विनबैक्स। कौन सा है? विनबैक्स। जो विनबैक्स युद्ध अभ्यास है ये भारत का किस देश के साथ होता है? तो वियतनाम का भारत के साथ होने वाला जो भी युद्ध अभ्यास है, वियतनाम का किस देश के साथ होता है? भारत की सेनाओं के मध्य होता है, जिसे नाम दिया गया विनबैक्स। अगला साथियों इम्बॉक्स जो युद्ध अभ्यास है ये भारत का किस देश के साथ होता है? तो भारत का ही पड़ोसी देश है जो भारत से आजाद हुआ था 1971 में, आजाद नहीं भारत से अलग हुआ था 1937 में, तो म्यांमार जो है, म्यांमार इसका भारत के साथ होता है। तो भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार और यही है इम्बॉक्स। अगला है लामित्ते। कौन सा है? लामित्ते। साथियों लामित्ते को 2-3 वजह से हमें याद रखना पड़ेगा। लामित्ते युद्ध अभ्यास जो है ये भारतीय थल सेना का किस देश की थल सेना के साथ होता है? तो ये होता है सेशेल्स की सेना का भारत के साथ होता है। कौन सा? सेशेल्स की सेनाओं का भारतीय सेनाओं के साथ जो युद्ध अभ्यास होता है उसी का नाम है लामित्ते। अब साथियों सेशेल्स थोड़ा चर्चा में है, मैं 2 क्वेश्चन आपको यहां बता देता हूं। साथियों सेशेल्स की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए ना, तो सेशेल्स की राजधानी आप याद रखना विक्टोरिया सेशेल्स की राजधानी है। कौन सी है? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया जो है ये सेशेल्स की राजधानी
राजधानी है विक्टोरिया। और साथियों विक्टोरिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीपीय देश है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीपीय देश है, जिस देश का नाम है सेशेल्स। साथियों सेशेल्स में हाल ही में क्या हुआ था, सेशेल्स में वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, और हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव जो हुए हैं उसमें वेवेल राम कलवान करके कोई व्यक्ति है जो भारतीय मूल का है, और भारतीय मूल का है तो सेशेल्स के अंदर उस व्यक्ति को क्या बनाया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो वेवेल राम कलवान, नाम भी याद रख लेना, वेवेल राम कलवान, वेवेन राम कलवान जो है ये हाल ही में सेशेल्स में भारतीय मूल के हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। एक और चीज याद रखना साथियों, भारत ने जो है सेशेल्स से एक आइलैंड को खरीदा है, एक द्वीप को खरीदा है, और उस द्वीप का नाम है अजमसन आइलैंड। तो भारत ने अजमसन आइलैंड किस देश से खरीदा है, वो सेशेल्स से खरीदा है, लीज पर लिया है। तो सेशेल्स का अजमसन आइलैंड जो है भारत ने ले लिया। साथियों अगला जो है उसको याद करना, मित्र शक्ति जो है ये किन दो देशों के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो मित्र शक्ति होता है भारत का बिल्कुल पड़ोसी देश है, और समुद्र के अंदर जिस चारों ओर से घिरा हुआ देश है, और ये भी एक द्वीपीय देश है जो श्रीलंका है। जब भी भारत का मैप आप देखते हैं तो गॉड गिफ्ट श्रीलंका आपको दिखाई दे जाता है। अगला लास्ट है यहां पर थल सेनाओं का लास्ट, वैसे तो वायुसेना और हमारी नौसेना अभी भी बची हुई है, उनके भी एक बार और कर लेंगे। अभी जो है वो है खंजर, ये खंजर किस देश का होता है भारत की सेनाओं के साथ, तो ये किर्गिस्तान जो है, किर्गिस्तान का किस देश के साथ होता है, भारत की सेनाओं के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है जिसे नाम दिया गया है खंजर। खंजर युद्ध अभ्यास होता है किर्गिस्तान का भारत के साथ। एक बार इसको जल्दी से रफ कर देता हूं और उसके बाद वायुसेना और नौसेना का भी कर लेते हैं। तो साथी उसी से आगे आगे देखते हैं, अब तक हमने जो किए थे वो थल सेना से थे, और आगे जो है ये नौसेना के युद्ध अभ्यास हैं। तो भारत की नौसेना के किन किन देशों की नौसेनाओं के बीच जो युद्ध अभ्यास किए गए थे वो हैं। तो सबसे पहले दे रखा है वरुण युद्ध अभ्यास, ये कई सारे पेपरों में आ लिया भाई, वरुण भी बहुत सारे पेपरों में आ लिया। तो वरुण युद्ध अभ्यास जो है ये फ्रांस का होता है भारत के साथ, फ्रांस की नौसेनाओं का भारत की नौसेनाओं के साथ होने वाला जो युद्ध अभ्यास उसी का नाम क्या है, वरुण युद्ध अभ्यास है। स्क्रीनशॉट आप सबसे पहले अपने आप ले लेंगे, स्नैपशॉट ले लेंगे, उसके बाद इसके फिर तो काला हो जाएगा सारा। मालाबार, साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मालाबार, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये नौसेना के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज है, और इसमें मालाबार में कौन कौन देश शामिल है साथियों, एक यूएसए शामिल है, एक जापान शामिल है, और एक भारत शामिल है। जापान, भारत और यूएसए ये दोनों शामिल है साथियों। 1992 से ये है, ये मालाबार अभ्यास जो है ये यूएसए और भारत जो है इनकी सेनाओं के मध्य होता था 1992 से, यूएसए और भारत की सेनाओं से। उसके बाद 2007 में इसमें एक देश और शामिल हुआ, और एक बार वो देश शामिल हुआ तो उस देश का नाम था ऑस्ट्रेलिया, कौन सा देश था, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इसमें भाग नहीं लिया। उसके बाद 2009 में, 2011 में, 2014 में, साथियों ये तीन साल ऐसे हैं जिनमें यूएसए, भारत और इन दोनों देशों की सेनाओं के साथ एक देश और शामिल हुआ, जिस देश का नाम था जापान, कौन सा देश है, जापान। तो जापान 2009 में एक्सरसाइज में शामिल हुआ, 11 की एक्सरसाइज में शामिल हुआ, और 2014 की एक्सरसाइज में शामिल हुआ। और साथियों जापान दो जो है ये 2015 से परमानेंट सदस्य बन गया, परमानेंट सदस्य किसका बन गया कि मालाबार युद्ध अभ्यास जो होगा अब 2015 के बाद जब भी होगा तो उसमें जापान की नौसेना वो भी भाग लेगी। तो यूएसए, जापान और भारत जो है ये नौसेनाओं की, इसमें तीनों की सेनाएं शामिल होती हैं। साथियों इसमें एक चीज और ऐड करना, और क्या ऐड करना, अब हाल फिलहाल के अंदर मालाबार युद्ध अभ्यास में इस बार शामिल होने के लिए कौन सा देश आया है, तो ऑस्ट्रेलिया आया है।
साथियों ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 2007 में एक बार ये मालाबार एक्सरसाइज भारत अमेरिका के साथ करके जा चुका है, लेकिन इस बार यूएसए जापान और भारत और चौथा देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है अब चौथे देश के रूप में इसमें शामिल हुआ है। तो मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन कौन शामिल हुआ है, तो यूएसए है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया भी अब इसमें भाग लेगा। ठीक है, तो साथियों ये सारी इसको लेकर थी। मालाबार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद अगले देखते हैं, अगले युद्ध अभ्यास में क्या दे रखा है। साथियों अगले युद्ध अभ्यास में है सलीनेक्स युद्ध अभ्यास जो है, ये सलीनेक्स किस किस के मध्य होता है, तो भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, और श्रीलंका का किस देश के साथ होता है, ये श्रीलंका का भारत के साथ होने वाला नौसेना का जो युद्ध अभ्यास है वही नाम है। अगला है सिम्बैक्स जो है, ये सिम्बैक्स किसका नाम है, तो सिम्बैक्स साथियों है वो सिंगापुर की सेना और भारत की सेनाओं के मध्य, और सिंगापुर और भारत की सेनाओं के मध्य कौन सा होता है, नौसेना का युद्ध अभ्यास, उसी का नाम है सिम्बैक्स। अगला साथियों कोंकण इंपॉर्टेंट आ जाता है। कोंकण किस किस के मध्य होता है, यूके और भारत, यूनाइटेड किंगडम का भारत की नौसेनाओं के साथ होने वाला जो युद्ध अभ्यास है उसी को नाम दिया गया था कोंकण। साथियों अगला जो है उसका नाम है ओनसिडिक्स जो है यह कौन सा युद्ध अभ्यास है, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के मध्य, नौसेनाओं के मध्य होने वाला जो युद्ध अभ्यास है उसी युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, ओनसिडिक्स है। अगला साथियों सहयोग काजिन, ये इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुका था भाई। सहयोग काजिन जो है ये 2018 के पेपर में आया था, जापान और भारत के मध्य जो है ये होने वाला जो है वो उसका नाम दिया गया था सहयोग काजिन। साथियों सहयोग काजिन जो है ये जापान के साथ भारत की सेना में होता है। जापान में 2020 में ओलंपिक खेल प्रस्तावित थे, जापान की राजधानी टोक्यो में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो एक साल आगे एक्सटेंड कर दी गई है, अब 2021 में होंगे टोक्यो के अंदर। नसीम अल बहर जो है ये युद्ध अभ्यास भारतीय नौसेना का किस देश की नौसेना के साथ होता है, तो ओमान देश के साथ होता है। भारत का ओमान देश की नौसेनाओं के मध्य होने वाला जो युद्ध अभ्यास है उसी को कहा जाता है नसीम अल बहर। साथियों अगला क्या है, इब्सा। साथियों यहां तक एक बार पढ़े, IBSA इब्सा और MAR इब्समार जो है ये किस किस के मध्य होता है, तो साथियों आई से तो बन जाएगा इंडिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, बी से बन जाएगा ब्राजील, और साथियों SA से संयुक्त रूप से बन जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका जो है, तो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका तीनों देशों की सेनाओं के मध्य होने वाला जो युद्ध अभ्यास है उसी को नाम दिया गया था ये। MAR से बन जाएगा मैरीटाइम, MARITIME मैरीटाइम जो है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो ब्राजील, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका से, नाम से ही पता चल गया था आपको यहां से कि इसमें। अगले जो युद्ध अभ्यास है साथियों वो वायु सेना की युद्ध अभ्यास है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, और कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट है, रेड फ्लैग पूछा जाता पेपर में। रेड फ्लैग किन देशों के बीच होता है, तो यूएसए का होता है भारत के साथ, तो यूएसए की सेना और भारत की सेनाओं के मध्य जो युद्ध अभ्यास होता वायु सेना का उसी का नाम था रेड फ्लैग। साथियों अगला जो है उसे कहा था ग्रुड। ग्रुड जो है ये वायु सेना का युद्ध अभ्यास है, पेपर में भी आ लिया था, ये फ्रांस और भारत के मध्य होता है, फ्रांस और भारत के मध्य होता है। आपने ग्रुड को एक बार पहले भी पढ़ लिया था, वो भी ग्रुड था, ये भी ग्रुड है। साथियों कोप इंडिया जो है, कोप इंडिया, ये कोप इंडिया किसका होता है, भारत के साथ कौन सी देश के वायु सेना का होता है, तो भारतीय वायु सेना का यूएसए की वायु सेना के साथ होता है। तो भारतीय वायु सेना का यूएसए की वायु सेना के साथ होने वाला जो युद्ध अभ्यास उसी को कहा गया था कोप इंडिया। साथियों अगला है इंद्रधनुष। साथियों इस इंद्रधनुष को हिंदी में अगर मैं लिखूंगा तो इसे मैं लिखूंगा इंद्रधनुष। क्या लिखूंगा, इंद्रधनुष, बस ये नाम से याद रखना, वो इंग्लिश में लिखा था लेकिन ट्रम हिंदी में डाल दी हो। तो इंद्रधनुष जो है या इंद्रधनुष जो है ये ब्रिटेन और भारत की वायु सेनाओं के मध्य होता है। ब्रिटेन का भारत की वायु सेनाओं के मध्य होने वाला जो युद्ध अभ्यास है उसी को नाम दिया गया था इंद्रधनुष। साथियों अगला है ये सिम्बैक्स जो है, आप कहेंगे सिम्बैक्स तो आपने इधर भी लिख दिया वायु सेना में और नौसेना में लिख रहा, सिम्बैक्स वहां भी है, सिम्बैक्स यहां है, सिंगापुर और भारत की सेनाओं के मध्य होता है। साथियों ये है सिंधेक्स जो है,
सिंधेक्स करना इसको। सिंधेक्स जो है ये सिंगापुर और भारत की सेनाओं के मध्य होता है, सिंगापुर और भारत के मध्य। अगला जाएगा ईस्टर्न ब्रिज जो है ये किन दो देशों की वायु सेनाओं के मध्य होता है, तो ईस्टर्न ब्रिज जो है ओमान और भारत जो है इन दोनों देशों के बीच होता है। साथियों एक ओमान का भारत के साथ यहां भी होता है जिसे नसीम अल बहर कहा जाता है। साथियों अगला जो है इसका नाम है डेजर्ट ईगल। साथियों डेजर्ट ईगल जो है ये यूएसए का यूएई, साथियों यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसे संयुक्त राष्ट्र अमीरात बोलते हैं, तो यूएई संयुक्त राष्ट्र अमीरात बोलते हैं, तो ये यूएई जो है इसका भारत की वायु सेना के साथ होने वाला जो युद्ध अभ्यास है उसी को कहा गया था डेजर्ट ईगल। अगला है लास्ट में है सियाम इंडिया। साथियों सियाम जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है सियाम किसी देश का पुराना नाम था, और कौन से देश का पुराना नाम था, वो थाईलैंड का था, तो थाईलैंड का भारत के साथ होता है। सियाम देश का जो है वर्तमान में नाम हो गया थाईलैंड, थाईलैंड का पुराना नाम जो था वो सियाम देश था, तो सियाम पता चल गया थाईलैंड, और इंडिया, इंडिया है ही अपना इंडिया, भारत अपना है, तो इसलिए भारत और इंडिया की या सॉरी भारत इंडिया नहीं थाईलैंड और भारत की वायु सेनाओं के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है उसी को नाम दिया गया था ये सियाम इंडिया। तो साथियों उम्मीद है आपको इस सेशन के अंदर मजा आया होगा, और साथियों ये फैक्चुअल बातें थी, बहुत सारे फैक्ट थे, इन फैक्ट को याद कर लेना, आने वाले किसी ना किसी पेपर में एक आध क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी संस्कृति।